अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान उज़्मा खान के साथ। उम्मीद है कहते हैं ना, उम्मीदों का आगाज हो चुका होगा, दिल में होगा, आपके सोचों में होगा। जो परेशानी कल थी वो आज इंशाल्लाह नहीं होगी। और जो भी कहते हैं ना कि देर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो पता है कौन सी लाइट होती है? वो सुबह की लाइट होती है, जिसके बारे में कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरी टनल होती है ना, अंधेरी जगह होती है, और जब रोशनी नजर आती है तो ऐसे लगता है कि जैसे आप रात के अंधेरे से सुबह की तरफ आ गए हो। तो इसलिए ये जो रोशनियाँ हैं और अंधेरे हैं ना, ये हमारी जिंदगी के, इनसे नहीं घबराना है आपने, इनको बिल्कुल देख के परेशान नहीं होना है। ठीक है, इंसान है ना, क्या करें, कभी देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या हुआ, ये जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ये जो फियर ऑफ अननोन है ना, आपको पता है डेफिनेशन है फियर ऑफ अननोन की, जो कि एक बहुत बड़ी आपकी जो साइकोलॉजी है या साइकोलॉजिस्ट जो आपके आपके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर ये बहुत बड़ी एक लाइन है कि द फियर ऑफ अननोन। ठीक है, द फियर ऑफ अननोन कहते हैं जी कि आपको फियर हो उस चीज का जो आपको पता नहीं है कि हाय क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं, अल्लाह जानता है कि आगे के हालात कितने खराब नजर आ रहे हैं, बस पता नहीं क्या मेरी जिंदगी में ये क्या होने वाला है, क्या होने क्या। ये जो आपके दिल को बेकरार रखता है ना, इसको कहते हैं फियर ऑफ अननोन। और ये वो चीज है जो कि आपको सुकून से बैठ नहीं देती। अगर आपको अभी भी कोई अच्छी चीज मिलेगी ना, आपको कोई अच्छी न्यूज मिलेगी, आपको अल्लाह ताला कोई बेहतर न्यूज देंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे फियर ऑफ अननोन, हाय नहीं ये तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होने वाला, पता नहीं आगे क्या होने वाला। ये पता नहीं आगे क्या होने वाला आपकी जिंदगी को ना रून कर देता है, खराब कर देता है। आप उस फ्यूचर में ही रहते हैं, आप परेशानी में ही रहते हैं, आप यही सोचते रहते हैं बस कुछ होने वाला है, बस कुछ होने वाला है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर वो डाउनफॉल भी आएगा, अगर कोई कोई ऐसी चीज भी आएगी जो आपको नीचे लेके जाएगी, ट्रस्ट मी वो इसीलिए आएगी कि वो आपको ऊपर उठाने के लिए आएगी। बस तवक्कल करना है। ठीक है, जो आपका तफक होता है ना, जो आपका डिफरेंस होता है, वो भी करना है, वो आएगा खुशियों और गमियों में, लेकिन आपका तवक्कुल जो है कि नहीं 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 मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, वो आके रहेगा। अपने बुरे वक्त को आजमाइश नहीं बनाए, नाराज होके, चिड़चिड़े होके, और लोगों के साथ बुरा करके, अल्लाह ताला से नाराज होके, नाउज़ुबिल्लाह। क्यों हम नाराज हों, एक ही तो हैं जो हमारे क्रिएटर हैं, जो हमारी सुनते हैं। लेकिन ये सारी बात तब है जब आप अपने पे कन्विक्शन रखेंगे और अल्लाह पे कन्विक्शन रखेंगे। तो जो भी है, इकोनॉमिक हालात हमारे ख़राब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक आती है दूसरी जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, टैक्सेस हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत एक मुश्किल वक्त में हैं हम। ठीक है, हमारे वीज़ा को देखें, हमारे आधी से ज़्यादा कौम जो है वो मुल्क छोड़ के जा रही है, हर कोई बाहर जाना चाहता है, इस मुल्क को छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो हालात हैं वो आपको नेगेटिविटी की तरफ दिखा रहे हैं। इस नेगेटिव टाइम में भी मैं आपको कहती हूँ कि अल्लाह की ही ज़ात है, आपको बाहर कौन लेके जा रहा है, मतलब बाहर आप खुद जा रहे हैं। आपको अगर आप बाहर एक हालात बेहतर करने जा रहे हैं, तो वो भी अल्लाह की ज़ात आपको लेकर जा रही है। ठीक है, उसकी जो पत्ता नहीं हिलता है तो आप बाहर जा सकते हैं। तो जब वो भी एक अच्छी चीज़ है, तो यहाँ भी अच्छी खबर मिल सकती है। ठीक है, बस दुआ करें। कल भी हम फ्राइडे के दिन कह रहे थे कि नमाज के बाद दुआ किया करें, जुम्मे के दिन दुआ किया करें, दुआओं की कबूलियत के वक्त को अपने लिए मैसर बनाएं, अपने लिए मौसर बनाएं। ठीक है, मैसर तो है, मौसर कौन बनाएगा, ये आप और मैं मिलके बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारे खूबसूरत मैसेजेस के साथ और एक मोटिवेशन मैसेज के साथ, क्योंकि सुबह बखैर पाकिस्तान जो ऐसे हमारे मॉर्निंग शो है, वो मॉर्निंग शो होते ही इसलिए कि सुबह सुबह हम आए, आपके साथ मुस्कुराहटें शेयर करें, आपके साथ उम्मीदें शेयर करें उस दिन की, ताकि वो दिन आपका खूबसूरत तरीन दिन गुजरे और आगे आने वाले दिन बेहतरीन गुजरे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो हैं दिन को पॉजिटिव के साथ गुजारे। एक दिन पहले मुश्किलात थी तो क्या हुआ, अब जो मुश्किलात हैं ना वो कम होने वाली हैं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करने वाले हैं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी इंशाल्लाह। ठीक है, दुआओं में याद रखिए, हम आपको दुआओं में याद रखते हैं, आप हमें दुआओं में याद रखिए। और इससे पहले कि हम अपने शो का बाकायदा आगाज करें, आपसे आखिरी बात शेयर करती चलूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की भी ये हदीस है, कोट है, कि जब आप दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, ठीक है, आप उसके लिए कहते हैं कि
या अल्लाह इसको सेहत दे दे, बीमार होता है ना कोई, या अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, या अल्लाह इसको खुशी दे, या अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर। आपको पता है आमीन कौन कहता है? फरिश्ते। और वो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द जो सुन रहे होते हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि खुश होते हैं ना आपसे कि आप अपने मुसलमान भाई के लिए बेलौस होकर दुआ कर रहे हैं। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो बड़े दिल से निकलती है, ये आप ना बनावट नहीं कर सकते, दुखावा नहीं कर सकते, आप तभी करेंगे जब आप दूसरे के लिए सिंसेयर होंगे। तो जब आप ये दुआ करते हैं ना, जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि आप जो है ना, आप दूसरों के लिए आसानियां करते हैं तो फरिश्ते आपके लिए करते हैं। जो फरिश्ते जो नेक तरीन चीज़ें हमारी तरह गुनहगार नहीं है, गुनाह नहीं करते हैं, उनकी दुआ आपके लिए कैसी होगी? होगी ना खूबसूरत। तो इसलिए दूसरों के लिए दुआ कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, कोई और मदद नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं। तो सबके लिए दुआ कीजिए और आप देखिए वो दुआ आपके खुद के लिए कैसे कबूल नहीं होती। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ, इसी पॉजिटिविटी डोज के साथ जो हम आपको रोज़ देते हैं, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो हमारी टीम ने क्या निकाली है आज न्यूज़ आपके लिए, क्या ज़बरदस्त आपके लिए न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ कर रहे हैं जी कि कराची जो है ना, सयाहों के लिए दुनिया के गैर महफूज शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। क्या बात है भाई, हम टॉप करते हैं। ये बात नहीं हम टॉप नहीं करते, लेकिन हम टॉप करते हैं जी जबरदस्त तरीन चीजों में। और वो है जी ये ऐसी नेगेटिव बातें। फोर्ब्स एडवाइजर की दर्जा बंदी में वेंजुएला, पाकिस्तान और म्यांमार के शहरों को सयाहों के लिए खतरनाक तरीन मकामात के तौर पर नामजद किया गया है। फोर्ब्स ने साल 2024 के लिए दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक शहरों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें अव्वल नंबर पर वेंजुएला का शहर क्रॉकस है। अच्छा जी, आप हमसे कैसे ऊपर चले गए? हमने टॉप पे लगता है आना है, हमारा मुकाबला सख्त चल रहा है आपसे जी। दूसरे नंबर पाकिस्तान का मौशी हब कराची है, जिसका स्कोर 93.12 रहा, जबकि अव्वल नंबर पर आने वाला शहर क्रॉस का स्कोर 100% है। शाबाश क्रॉक्स। इसी तरह से 91.67 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है म्यांमार का शहर यंगोन। ठीक है, तो ये है, क्या कहूं मैं, मतलब इट्स फनी बट इट्स फनी इन अ वे कि दुख होता है ऐसी ना न्यूज देख के। क्या है हमारे पाकिस्तान में कमी? ठीक है, क्या कमी है हमारे? बस हमें पॉलिटिकल सिस्टम ले डूबे, ठीक है, हमें ये सिस्टम ले डूबे, वरना लोगों में हमारे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, कोई अच्छाई की कमी नहीं है। जितने मेहमान नवाज हम हैं, आपको मैं लिख कर देती हूँ, मैं यूरोप के कितने ममालिक में जा चुकी हूँ, मैं कितना बाहर सफ़र कर चुकी हूँ, हमसे ज़्यादा जो मेहमान नवाज है ना, बाहर के आने वाले मेहमान के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है, हम हाथों पे बिठाते हैं, हम उनसे पैसे लेने से मना कर देते हैं। आप जाएं ना, आप जाएं जाके यूरोप के चलें, किसी इंग्लैंड में कर लें, या पेरिस कर लें, या स्पेन कर लें, कहीं पे आपको फ्री की कोई चीज़ कोई खिलाएगा, कोई आपको इतनी मेहमान नवाजी दिखाएगा? हाँ, आपसे इज्जत से बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे जो हम करते हैं, है ऐसे ही है। और उसके बावजूद हमारा ये हाल, मतलब आपको सेकेंड उस पे कर दिया गया है। लेकिन ये उस वजह से है जो हमारे अगवा बराए तावान होता है, जो कराची के अंदर स्पेशली आपकी ये इतनी सारी जो डकैतियां होती हैं, जो आपकी पिक पॉकेट्स होती हैं, जो आपको लूट लिया जाता है, कभी मोबाइल लूट लिया, तो ये तो नॉर्मल है ना वहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से ये कहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आम शहरी पे नहीं, इसकी जिम्मेदारी है वहां के अफसराने बाला पे, उसकी हकूमत पे, ठीक है, वहां पीपल्स पार्टी का रहता है ज्यादा से ज्यादा, तो उनसे बंदा पूछे कि इतने सालों में आप क्या सिक्योरिटी नहीं कर सके? वो तो शुक्र हो हमारी आर्मी का कि उन्होंने रेंजर्स जब तैनात किए थे तो उसकी वजह से वहां सुकून हो गया था। अभी आई थिंक वो फिर थोड़ा सा साइड पर है, या हुकूमत को ये दे दिया गया है, आप हालात देख लें। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही दुख होता है जब मैं इस तरह की न्यूज़ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। क्या है, कभी दूसरे पे है, कभी एजुकेशन में कभी खराबी पे है, कभी जो है वो जो पाकिस्तान की हकूक है, या आप कह सकते हैं इंसानी हकूक हैं, उसके अंदर नीचे इतना इंडेक्स पे चले गए हैं। फिर पॉलिटिकली जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं और उनमें जितनी आपकी होती है इंसाफ होता है, ठीक है, और जितना वो एक फेयर सिस्टम होता है, उसके अंदर हम कितना नीचे चले गए हैं। जहाँ उठाओ, क्यों
क्यों हम पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क नहीं है, पाकिस्तान से प्यारा मुल्क नहीं है। मैं काफ़ी इमोशनल होती हूँ जब मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करती हूँ और ऐसी न्यूज़ देखती हूँ, क्योंकि हम तो मीडिया में हैं, एक न्यूज़ आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, क्या है, क्या कमी है पाकिस्तान में? आप जो भी इसके पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या हाल बना दिया है, किस हालत पे चला गया है कि दे हैव टू, जो टैक्सेस है, टैक्सेस का निज़ाम इतना बुरा बना दिया है, इतना ज़्यादा कर दिया है। लेकिन मुझे बताएं, हम अवाम अपना खून, मैं कहती हूँ निकाल के, गुर्दे निकाल के भी आपको टैक्सेस दे देगी, उन टैक्सेस का हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? आपकी अय्याशियों के लिए, आपकी आसाइशों के लिए, आपके गाड़ी का जो एक स्क्वाड है, सिक्योरिटी है, आपका फ्यूल है, आपका एसी है, आपके घर है, आपकी फैमिली है जो कि सरकारी गाड़ियों में घूमेगी, उनके लिए हमसे टैक्सेस ले लेके दिया जाता है? इससे ज्यादा जुल्म की इंतहा हो सकती है? टैक्स लेने में बुराई नहीं है, टैक्स देने में क्या आप दे रहे हैं हमें, बताइए ना, क्या देते हैं आप हमें टैक्स में? क्या सर्विस आप बेहतर कर रहे हैं? सड़क का है, सड़क पे तो हम वैसे भी टूल प्लाजा का टैक्स देते हैं, वो टैक्स तो वैसे ही अलग देते हैं। इसके अलावा बिजली के जो टैक्सेस देते हैं, उस टैक्सेस में हमें क्या मिलता है? बिजली लोड शेडिंग, बिजली की क्या क्वालिटी है आपको नहीं पता है? कितने सालों में जो है वो आ, 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 जो कहते हैं कि एक फेज ठीक आता है, दूसरा खराब है, ये है वो है, सारे आधे ज्यादा पाकिस्तानी सोलर पे जा रहे हैं। तो अब आप टैक्सेस के मद में क्या कर रहे हैं? वो एक, बल्कि किसी ने जोक शेयर किया हुआ था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि इतनी खाने बना दिए कि उनको खुद भी भूल गया है कि आखिर किस किस चीज पे टैक्स लगाएं। बिजली का टैक्स, वो जरूर मैं आपसे पिक्चर शेयर करूंगी, फनी चीज एक तरफ है, बट इट्स अ डिलेमा, ठीक है, इट्स अ डिलेमा कि उस पर लिखा हुआ था अदर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, मिसलेनियस टैक्स, ठीक है, ये वर्ड कर करके, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि और कैसे इनका खून अवाम का चूसा जाए, तो समझ ही नहीं आई कि वेल्थ टैक्स हो, जो है प्रॉपर्टी टैक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, फेयर टैक्स हो, सरचार्ज टैक्स हो, कौन सा टैक्स हो, तो नाम ही खत्म हो गए, तो अदर टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मिसलेनियस टैक्स, ये एग्जैक्टली नाम लिखे हुए थे। लेट मी शेयर दैट बिल, वो जो वो पिक्चर आई हुई थी, ताकि मैं भी आपको दिखाऊं कि ये हमारी हुकूमतें बाला किन चीज़ों में मसरूफ है। और आपको पता है अभी वो जो बैठ गया है, ठीक है, फैजाबाद पे भी जो दोबारा से आके बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम जी बिजली के खिलाफ कर रहे हैं। भाई लोग इतने तंग होते हैं जब वहां पे ट्रैफिक वो होती है, लेकिन अब शायद वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी तंग आ चुके हैं, धरना देंगे, कोई शायद कोई आवाज रेज होगी, अल्लाह जानता है कितनी होगी, क्या होगा, क्या असरात होंगे, बट दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। बाहर तो हमें कहता था न, कहते हैं कि करते ही थे, लेकिन सनम, आप अपने सनमों ने भी ऐसा डुबोया, ठीक है, वो शेर है ना कि उन्होंने ही डुबोया, वहां डुबोया जहां पे किनारे थे, ठीक है, किनारे क्या है, अपना मुल्क है, वहां खड़े डूबे जा रहे, डूबे जा रहे, डूबे जा रहे, और ये लोग देख रहे हैं किनारों से खड़े होके। वेरी वेरी सैड सिचुएशन। हम भी ना कभी कभी इन चीजों में आ जाते हैं, और स्पेशली जो इतना आपने दिल को ना पत्थर किया हुआ है आईएमएफ के चुंगल में, अगर आईएमएफ ने टैक्स बनवाया भी है, ठीक है, आईएमएफ ने हमसे, कहते हैं जी आईएमएफ ने बजट बनवाया है, हमारा इसमें कसूर नहीं है, तो किसने खड़े होना था? हमने, हमने जाके आईएमएफ के सामने खड़े होके कहना था कि आप हमें देखें, हमारी आवाम को देखें जो गुर्बत में पिस रही है, आप नहीं बोलना था ना, आपने ही हमारे लिए स्टैंड लेना था, आप जाके उनके पैरों में बिछ गए, क्योंकि आपको अपनी आसाइशों के लिए वो बजट चाहिए, वो बजट आता है वो जाता कहाँ है, जरा हमें भी तो बताएं वो बजट कहाँ जाता है, मेनली कहाँ है हमारा जो है, मे बी सिक्योरिटी है, उसके बाद से पॉलिटिशियंस हैं आपके, फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर कहीं नीचे जाके अवाम को इतना सा कोई हिस्सा मिलता है, उसके लिए आप हमें जो है वो खूनी हाथों में दे देते हैं, टैक्सेस पे टैक्सेस, टैक्सेस पे टैक्सेस, ये क्या हो रहा है आज? सिर्फ आपकी अय्याशियों के लिए कि आप नीचे जाने को तैयार नहीं है। आईएमएफ की दो ही शरारतें, या आप अपने खर्चे कम करें, ठीक है, या फिर आप टैक्सेस दें। आपने क्या किया? सबसे आसान अवाम को खत्म करने का तरीका, उसके जो चार जेब में आप लोगों के, हमारे हुक्मरानों के, आप चेक तो करें असासे, उन असासों के बावजूद उनके टैक्सेस नहीं है, लेकिन हम जो 4 रुपए दे रहे हैं उनके भी टैक्सेस निकाल के ले जाते हैं, उनसे भी के ले जाते हैं, क्या जुल्म है ये, क्या जुल्म है? हजरत उमर ने कहा था कि अगर वो जो आपका फरात है, जो आपका दरिया है, ठीक है,
उसकी साइड के ऊपर अगर कुत्ता भी मर जाएगा तो मुझसे सवाल किया जाएगा। तो आपकी आवाम क्या कुत्ते से बदतर है? क्या आपकी आवाम का क्या मयार है जिंदगी उससे एक एनिमल से बेहतर नहीं होना चाहिए? तो अगर बेहतर नहीं है तो सवाल किससे होगा? आपसे। ठीक है, कब्र है, एक निजामे इंसाफ है और एक अल्लाह की लाठी भी है। तो आप करें जाएं लोगों के साथ। मैंने देखा है कितने सारी है वाकयात, औरत ने बच्चे के साथ अपने खानदान के साथ छलांग मार दी। ये कश्मीर की खबर है, ठीक है, मुजफ्फराबाद के पुल से। क्यों? महंगाई से तंग थी। तो उसकी मौत की जिम्मेदार कौन है? हम, आप लोग। नोट लिखे गए जी, ये एक नहीं है, मैं आपसे बारहा पूरे पाकिस्तान के वाकयात पेश कर सकती हूँ कि लोगों ने, कितनों ने मजबूर होके खुदकुशियां कर ली हैं। ठीक है, अब तो आपके लिए तो एक खुदकुशी एक वर्ड बन गया है ना, हो गई, हो अफसोस हुआ। हम अफसोस कर सकते हैं, आप अफसोस नहीं कर सकते। आपके हाथ में पावर, अथॉरिटी है इस चीज को ठीक करने के लिए, और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला का एक निजाम है, हुक्मरान है ना आप लोग, हाकिम है हमारे। तो ये सारा प्राइस यू हैव टू पे, ट्रस्ट मी, एक दिन आएगा आप सब इसकी प्राइस पे करेंगे। तो तब तक चले अल्लाह हमारा हामी व नासिर। आप जालिम का कौन हामी व नासिर हो सकता है? आगे आते हैं जी, थोड़ी कोई लाइट न्यूज शेयर करते हैं ताकि पता चले कि आजकल हमारे जो स्टार्स और लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगली न्यूज है, फिल्म स्टार रेशम ने कई दहाइयों बाद अपना असल नाम बता दिया। तो हम तो समझते थे रेशम का असल नाम ही रेशम है, लेकिन उनका जी वो कहती है असल नाम रेशम नहीं है। हाल ही में रेशम ने एक मजाहिया प्रोग्राम में बतौरे मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने अपने कैरियर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। मेजबान के एक सवाल के जवाब में रेशम ने कहा कि मेरा ताल्लुक सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद से है, लेकिन मेरे शोबिज कैरियर की शुरुआत से पहले ही मेरी फैमिली लाहौर मुंतकिल हो गई थी। रेशम ने कहा कि मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों से अपना कैरियर का आगाज किया था। शुरुआत में मुझे मुख्तसर किरदार मिलते थे, लेकिन जब लोगों को मेरी अदाकारी पसंद आने लगी तो फिर मुझे मरकजी किरदारों के लिए कास्ट किया गया। अदाकारा ने अपने नाम से मुतल्लिक कहा कि मेरा असल नाम रेशम नहीं है बल्कि सायमा है। मुझसे पहले ही पाकिस्तानी शोबिज में सायमा नाम की अदाकारा मौजूद थी, तो इसी वजह से मुझे अपना नाम तब्दील करना पड़ा। इन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन ने पहले ड्रामे से कबल ही मेरा नाम तब्दील कर दिया था। इन्होंने बड़े ही गौर व फिक्र के बाद मेरा नाम रेशम रखा था और फिर इसी नाम से मुझे शोहरत मिली थी। रेशम ने मोहब्बत के मामले पर बात करते हुए कहा कि मुझे अपनी जिंदगी में कई बार मोहब्बत हुई है और हर मोहब्बत में दिल ही टूटा है। क्या बात है रेशम, आप अकेली थोड़ी हैं, ये तो हर घर की कहानी है जी। अदाकारा ने अपनी गुफ्तगू में वाजिया नहीं किया कि किसने इनका दिल तोड़ा और उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो बड़ी ही हमारी डिसेंट सी अदाकारा है रेशम, बड़ा ही डिसेंट बात करती हैं, बड़ी ही खूबसूरत बात करती हैं, शेर व शायरी काफ़ी पसंद करती हैं और बड़ा अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं कि जब भी उनका आप शो देखें तो वो कॉन्टेक्स्ट लेकर आती हैं पोइट्री का और साथ बात करती हैं। इसके अलावा आपको पता है वो लंगर खाना चलाती हैं, और कितने सालों से हमारे शो में ही हम लोगों ने ये न्यूज़ भी शेयर की थी कि एक साल नहीं, कुछ 6, 7, 8 साल तक जी उन्होंने लंगर खाना चलाया है। और उस लंगर खाने को चलाने की वजह से आप ये समझ सकते हैं कि लोग उनको जानते हैं कि पहले वो उसको करती थी, लेकिन अब वो खुद अपने हाथों से बनाती हैं। ठीक है, लंगर खाना काफ़ी साल हो गए, अभी आई थिंक 5 साल, तो 3 साल हो गए वो ये कर रही हैं। तो वो इन बातों की वजह से बड़ी मशहूर है, बड़ा खुदा तरसी है उनके अंदर, और जब भी बात करती हैं आम आवाम के लिए ज़रूर बात करेंगी, उनकी बातों में कॉन्टेक्स्ट ज़रूर होगा। तो ये वो मोहब्बतें हैं जो कि हमारे स्टार्स वैसे ही फनकारों के लिए मशहूर है कि वो बांटते हैं, क्योंकि उनकी उनमें एक ना बड़ी सोफिस्टिकेशन होती है ड्रामों में काम कर करके, आर्ट कर करके। ठीक है, उनके अंदर ना फन और अदब का ना एक एक मुतसज आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा ही इम्तजाज होता है खूबसूरत सा। मुरेशम मुझे एग्जैक्टली वो उसके उसमें लगती हैं, और एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो उस एरा की अच्छी रेशम, मीरा, ठीक है, मीरा से ज़्यादा एक आप रीमा को देख सकते हैं, उन्होंने किस कदर अपने आप को ग्रूम किया है, बात करती हैं कितने ऑथेंटिक
सोफिस्टिकेटेड तरीके से करती हैं। तो ये वो एरा की हैं जिन्होंने अपने आप को खूब ग्रूम करके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन किया है। तो बड़ी अच्छी बात की है रेशम ने कि हाँ होता है लोग दिल तोड़ देते हैं, होते, लेकिन नाम नहीं लिया। और यही एक ना डिसेंसी है, आपके साथ कोई जितना भी स्पेशली जैसे मैरिड भी होते हैं कपल्स, वो होते हैं तो जी जैसे ही खत्म हुआ एक दूसरे को वो गालम गलोच शुरू होता है, ताने बाजी और ये वो। नहीं, जब आप करें तो आप इज्जत से एक दूसरे को अलविदा करें। कोई इंसान आपकी जिंदगी में इसीलिए था ना क्योंकि आपने उसको जगा दी थी, इज्जत दी थी, ठीक है। अब वो नहीं रहा तो इसका मतलब तो नहीं है कि आपने जी उसकी जो है मट्टी पलीत कर देनी है और उसको बुरा भला कहना है। नहीं, तरीके से रहे, चाहे दोस्त है, चाहे मियाँ बीवी है, चाहे फैमिली मेंबर है, आपस में भी लड़ाइयां करते हैं जी, मेरी पुप्पो ने कह दिया, चचा ने कह दिया, खाला के बच्चों ने कह दिया, खत्म करो जी, किसी से बात ना करो, ऐसे नहीं है। जो होते हैं रिश्ते ना उनमें आता भी है ना तनाव आता भी है, तो उस तनाव को ना उससे आप ना उसको इस तरह ना बनाएं कि आप उसको ऐसा बना दें कि दोबारा आप उस बंदे की तरफ देखे बिना शर्म इतना आ जाए कि इसको मैंने कितना बुरा भला कहा था। ऐसे नहीं करें, अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी वापस आपने उस बंदे से बात करनी है, वापस उस तरफ आना ही है। तो इसीलिए मोहब्बत से रहें, मोहब्बत से चलें, ख़त्म भी हो जाए कोई रिश्ता तो उसको इज्जत दें, इज्जत से रहें, इज्जत से रहेंगे तो हम आगे तक चलते रहेंगे। तो जी अब हमारे पास वक्त हुआ चाहता है, आपको पता है न्यूज़ ब्रेक हमने लेनी होती है, ज़बरदस्ती हमारी टीम है जो कि न्यूज़ लेके आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो जल्दी से सुनते हैं न्यूज़, वापस आएंगे और आज अपने स्पेशल गेस्ट को देखेंगे कि कौन है वो। सो सी यू आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। जी तो हमारे पास तो आप वापस आ गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे पास आने की वजह से क्या आपके पास आज एंटरटेनमेंट की न्यूज़ आने वाली है वो तो हम आपके साथ शेयर करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम आपके साथ बात कर रहे थे रेशम की और जो उनको आपका बता रहे थे, तो कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही अच्छी बात है ना कि किस तरह से वो अपने आप को एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान आपको प्रूव करती हैं कि वो है और बताती हैं आपको कि यू नो शी इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ह्यूमन, आई लाइक हर, उनकी पर्सनालिटी बड़ी मुझे अच्छी लगती है, बड़ी डिसेंट लगती है। तो जी आगे चलते हैं, साइंसदानों ने जी कुछ दरियाफ्त कर ली है, साइंसदानों की दरियाफ्त के ऊपर बात करते हैं कि आखिर साइंसदानों ने दरियाफ्त क्या किया है जी। तो कहते हैं कि इंसान और चिंपैंजी एक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। साइंसदानों ने एक नई तहकीक में इंसान और चिंपैंजी के बारे में गुफ्तगू के अंदाज में हैरान कन दरियाफ्त की है। तहकीक में मालूम हुआ है कि गुफ्तगू के दौरान चिंपैंजी भी इंसानों की तरह मौका आने पर बात करते हैं। साइंसदानों की रहनुमाई में की जाने वाली तहकीकात में मालूम हुआ है कि जंगलात में दौराने गुफ्तगु चिंपैंजी इशारे के बाद जवाब देने से कबल इंसानों की तरह वक्फा देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, हमारे हम भी अच्छी बातें करते हैं, चिंपैंजी हमसे भी अच्छी बातें करते हैं भाई। कभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम उनसे ना एटलीस्ट कम्युनिकेट करके देखें, वो भी तो कुछ इंसानों का हाल कहते होंगे ना, कुछ नाराजगियां तो उनकी भी हमसे होंगी कि ए इंसान आप चीज़ क्या हो, ठीक है, किस तरह के हो आप, के कैप्टिवेट करते हो, हमें पकड़ के बंद कर देते हो, ठीक है, हमें बाहर जो हमारी वाइल्ड है, जो हमारी जगह है, वहाँ अब हम आपको पकड़ के आपके घरों में बंद करें, जेलों में बनाएं, तो कैसा लगेगा आपको। तो इसके बावजूद हमारी जो ज़िंदगी है जो कि बाहर जंगलों में है और हम इंजॉय करना चाहते हैं और हम बाहर रहना चाहते हैं, आप जो हैं जी हर वक्त हमारे साथ कोई ना कोई आपने शुगर लगा के रखा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो मैं सीन देखती हूँ, आप ये कह सकते हैं कि द बेस्ट वन इज़ जब आप मुनाल पे जा रहे होते हैं, नीचे जो हाल होता है, कोई उनको पत्थर मार रहा है, कोई उनको कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपने उनको ये भी खराब कर दिया। जानवर को अल्लाह ताला ने ढूंढ के अपना शिकार करके खाने के लिए बनाया है, आप उसको कंटिन्यूसली फीड कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, आप जाते हैं तो पहाड़ों पर आप पे हमला करते हैं, अगर आपके पास कुछ देख लेते
तो आपके ऊपर कहते हैं जी हमें भी दो, हाँ आपका बैग छीन लेते हैं। मेरे खुद के साथ ट्रेल पे ये वाकया हुआ है, शॉपर ले लेते हैं और उसमें से ढूंढते हैं अपने लिए खाना, क्योंकि उनके लिए सोर्स ऑफ फूड वो है ना, लोगों का। तो उनको समझ ही नहीं रहती कि इंसान जो है वो समझते हैं ये हमारे खाने पीने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जबकि उनको खुद अपनी मेहनत से ढूंढ के खाना है, यही एक उनका तर्ज जिंदगी अल्लाह ताला ने डिफाइन किया उनके लिए। तो ये हमने तो उनसे बात करनी है, उनकी भी हमने बातें सुननी है कि आखिर उनको हमें क्यों क्यों हमें हमारे साथ कोई शिकायत तो होगी, कोई शिकायत तो ऐसी होगी जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते होंगे, कुछ हमें भी बताना चाहते होंगे, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि सुनाना चाहते होंगे कि जिंदगी में ना जी बंदरों को आखिर किसने कितने पत्थर मारे, किस मुस पाकिस्तानी तो हमारे यहाँ में तो है ही कि रास्ते चलते चलते क्या क्या सुनाया है। बस ये है कि हमारे पास चिंपैंजीज नहीं है, हमारे पास जो है वो छोटे छोटे दूसरे वो है, लेकिन चिंपैंजीज जो है ना वो एक बड़ी स्पेशल ब्रीड है मंकीज की, और वो बड़ी अफ्रीकन कंट्रीज में होती है, बड़ी लिमिटेड जगहों पे होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो आप कह सकते हैं कि रिसर्च उनके ऊपर आती है, रिसर्च वहाँ उस पर की जाती है, और जितने भी बड़े बड़े रिसर्च प्रोसेसेस हैं ना, क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग से बहुत सिमिलर है, उनके दिमागों के ऊपर किया जाता है। तो अगर आपने मूवी देखी हो ना प्लैनेट ऑफ द एप्स, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप ये मूवी जाके जरूर देखें। एप्स जो है वो बेसिकली चिंपैंजीज को कहा गया है, तो प्लैनेट ऑफ द चिंपैंजीज आप ये समझ सकते हैं उस मूवी का नाम है। तो उसके अंदर दिखाया गया है कि जब वो लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज किया जा रहा होता है, तो जब वो रियल इंसानों के रूप में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे इंसानों को ना पकड़ के ना गुलाम बना के रखते हैं और किस तरह से करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की मूवी है, आप जरूर देखिएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से कुछ अर्सा पहले, वो काफी पुरानी मूवी है, लेकिन उसका फिर दोबारा से ना एक नया जो उनका सीक्वल होता है वो आया था, तो उनके सीक्वल्स और प्री सीक्वल्स ये तो चलते रहते हैं, और बड़े मजे मजे की मूवीज होती हैं, तो आई होपफुली आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे जब आप इसको देखेंगे। आगे क्या है जी, आगे है आखिरी खिलाड़ी, आखिर खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीतकर इसे चबाते क्यों हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं जब इनको मिलता है तो ये एकदम से इसको चबाते क्यों हैं। तो ये जी कहते हैं कि ओलंपिक्स को दुनियाई खेल का सबसे बड़ा इवेंट करार दिया गया है, हर साल बाद होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में हजारों एथलीट तलाई तमगे जीतने का ख्वाब आंखों में सजाए एक दूसरे के मुकाबिल आते हैं, मदे मुकाबिल आते हैं, मगर क्या आपने कभी गौर किया कि तलाई तमगा जीतने के बाद खिलाड़ी इस तमगे को अपने दांतों से चबाते हुए नजर आते हैं जी। ये बहुत आम नजारा है, मौतित ओलंपियंस जैसे माइकल फिलिप्स, यूसेन बोल्ट और दीगर अपने जीते के मेडल्स चबाने की अदाकारी करते दिखाए गए हैं। वैसे कदीम जमाने से ताजर तलाई सिक्कों को जांचने के लिए इन्हें चबाकर देखते रहते थे। सोना एक नरम दांत है, जब ताकत से दांत इस पर गाड़े जाते हैं तो इसके निशान धात पर बन जाते हैं, मगर जहां तक ओलंपिक चैंपियंस की बात है तो वो सोने के खालिस होने की तस्दीक नहीं कर रहे होते। वैसे भी इंटरनेशनल ओलंपिक कंपनी ने 1912 से खालिस सोने के बने तमगे बनाना बंद कर दिए थे। 2010 के विंटर ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाली जर्मन खिलाड़ी डेविड मुलर का दांत पे पोज बनाते हुए टूट गया था। ओके ओ सॉरी, ये तो जो है वो गलत खबर हो गई, ऐसे कैसे, उनका दुख की खबर हो गई, परेशानी की कि कैसे वो बेचारी वो कर रही है, और वो इतना सख्त था तो उन्होंने शायद जोश में जरा ज्यादा चक उसको मार दिया या ज्यादा उसको बाइट कर दिया ताकि उस पर निशान रह जाए, लेकिन उनका दांत टूट गया। तो इसलिए ख्याल रखना चाहिए ना ये इस तरह वाली चीजें करने से पहले। लेकिन वो कहते हैं जी कि इसको क्यों, ये एक है जो कि मेरे लिए भी नॉलेज थी पढ़ के, कि जब सोना सोने बनाया जाता था, जब आप कह सकते हैं कि सोनार जब उसको बनाते थे तो उसको चेक करने के लिए कि वो नरम है, असली है, जो भी उसके असली चीज़ों वाली एट्रीब्यूट्स होते थे उसको चेक करने के लिए वो उठाते थे और उसको ना बाइट कर देते थे, और बाइट करने के बाद कहते थे कि वाह जी ये असली बना है। उसकी वजह से हमारे जो ओलंपिक स्टार्स हैं और जो हमारे लोग हैं उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया है कि
जो ये इस तरह की मटेरियल या क्वालिटी होता है उसको असल दिखाने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं वो बाइट कर रहे हैं, तो वो बाइट ये कर रहे हैं और बाइट करने के बाद वो ये कहते हैं कि जी क्या बात है, ये तो हमारा असली वो है। बट हकीकत ये है कि वो कहते हैं कि 1912 से खालिस सोने के बने तमगे बनाना बंद कर दिए थे, क्योंकि वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी गेम्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं जो कि प्लेयर्स हैं आपके जिन्होंने फर्स्ट पोजिशन ली है, ठीक है, अगर उन सबको सोने के तमगे देना शुरू कर दें तो आपको पता है सोने की कीमत क्या है, असली सोने की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब आप उनको इस तरह के देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। तो ठीक है, उन्होंने सोने के तमगे देने बंद कर दिए थे। और ये है, अब ये मुझे नहीं पता कि चांदी के तमगे भी, क्या चांदी उसमें नहीं शामिल होती है, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि वो उसमें रियल चांदी होता है, बट सोना जो है वो इज़ नॉट द रियल डील। इसके बावजूद जो वो ट्रेडिशन है दांत पे बाइट करने वाली और वो करने वाली, वो अभी भी फॉलो होती है। तो जबरदस्त जी, सुन के ही खुशी हुई कि कितनी एक जब आपको मेडल मिलता होगा, ठीक है, क्या ही आलम होता होगा ना, कितनी मेहनत के बाद आपको ओलंपिक्स में, जो कि दुनिया की गेम्स हैं, उसमें अपने आप को आपने प्रूफ कराया है, और प्रूफ कराने के बाद आपने जी गोल्ड मेडल लिया है। तो क्या ही बात है कि आपने वो गोल्ड मेडल लिया, खुशी ही ना आपकी कोई और होती होगी जब आप उसको सेलिब्रेट करते होंगे, जब आप उसको एंजॉय करते होंगे। आगे हमारे पास क्या न्यूज़ है आगे जी, बड़े मज़े की न्यूज़ है कि तलाक की खुशी में खातून का जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बड़ी वैसे ठीक है कि इतनी भी सेलिब्रेट करने की बात नहीं होती, ऑब्वियसली आपकी एक चीज़ जो आपने बड़ी मोहब्बत से बनाई होती है, शादी बड़ा आपने सोच सच के किया होता है, आपने सोचा होता है कि क्या होगा ना, कि आपके लिए ना आसानी हो जाएगी, कि इफ़ यू कैन डू इट, इफ़ यू कांट डू इट। लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं, जब आप ख़त्म करने का फैसला कर लेते हैं, तो इसकी वजह से आपका दिमाग के अंदर ये होता है कि यार मतलब तकलीफ में होते हैं आप, परेशानी में होते हैं कि हो सके या ना हो सके, ठीक है। और इफ नॉट, अगर तो ये चीज़ नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बेहतरी रखे, अच्छा रखे आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको आगे लेके चले और बहुत कामयाबी से रखे, लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया और वो, तो मुझे लगता है कि आपको खामोशी से ना बस इस चीज़ को, अगर आप इंजॉय भी सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं तो खुद तक रखें, ठीक है। ये जाके सेलिब्रेट करना, ये हर तरह का नया खर्चा निकालना, पहले वेडिंग एनिवर्सरी, पहले उसके खर्चे पूरे करो, वो तो चली नहीं, उसके बाद से फिर डिवोर्स एनिवर्सरी, फिर डिवोर्स की सेलिब्रेशन, भाई हर चीज़ के खर्चा करना जरूरी। आप घर में बैठे हैं, आप अपने दो तीन फ्रेंड्स को बुलाएं, एंजॉय करें, आप केक काटे, आपका जो खुशी है वो करें, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर ला के खर्चे करके, ये सब मतलब इसराफ के नए नए तरीके, ठीक है, न्यू ईयर डे, वैलेंटाइन डे, क्रिसमस डे, जो कि हमारे इवेंट भी नहीं है, ठीक है, बर्थडे, एनिवर्सरी डे, उसके बाद से अब डिवोर्स डे, मतलब कितने डेज हैं भाई जो मनाने ही दे रहे, नहीं, एक नया ट्रेंड उन्होंने कर दिया। वैसे भी आपको अपने पार्टनर की अपनी प्रिवेसी रखनी चाहिए, और अगर हुआ भी है तो डिवोर्स आपकी तो अकेले नहीं हुई ना, दूसरे की भी हुई है, तो उसकी वजह से आपको ये चीज़ें जो है ना, ये अपनी कन्फाइनमेंट में करें, मुझे यही लगता है, इंजॉय करें, कसब करें, लेकिन शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी हमारी इतनी शो ऑफ बन गई है, ज़रा सा कुछ होता है सोशल मीडिया के ऊपर, खाना खाना है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई ज़िंदगी की चीज़ है ये सोशल मीडिया, डिवोर्स हो पार्टी कर ली सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, मैं तो इनके हक में नहीं हूँ। न्यूयॉर्क में जी तलाक की खुशी में जश्न मनाने वाली खातून बज़ाहिर खुश लेकिन दिल में कई दुख लिए हुए डांस कर रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें खातून को तलाक की खुशी में लहंगा चोली पहने मुख्तलिफ बॉलीवुड गानों पर डांस करते देखा जा सकता है। आई थिंक शी बिलोंग्स टू इंडिया। खातून की वीडियो में बैकग्राउंड पर थीम पर तलाक मुबारक लिखा भी देखा जा सकता है, जबकि वीडियो में खातून को मोहतेत गानों पर खुशी से डांस करते दिखाया गया। तलाक के बाद जश्न मनाने पर खातून के दोस्तों ने खुशी का इजहार करते हुए खूब शोर शराबा किया। जी तो अगेन ओके, वी अंडरस्टैंड, और आपकी चॉइस है, आपने इसको किया है, आप उसके बाद खुश हैं, ये भी आपकी चॉइस है, बट अगेन सोशल मीडिया के ऊपर इसको इतना
करने की जरूरत नहीं थी, आप पार्टी कर रही है, आप खुश हैं, आप इंजॉय सेलिब्रेशन आपका है, ठीक है, और डिवोर्स है और आपको लग रहा है कि जी एक बहुत चीज़ है जो आपको रिहाई मिली। बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो वॉयलेंस की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो बहुत गलत उसकी तरफ चले जाते हैं। तो अगर आपने फैसला किया है तो ठीक फैसला किया होगा, आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन फैसला करने का अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, ये हम सब ह्यूमंस के ऊपर है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो ये अल्ले तल्ले शुरू हो जाते हैं ना, सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करो, ट्वीट करो, ठीक है, बताओ, इंजॉय करो, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, ये डोंट डू दैट, ठीक है, दिस इज़ टू मच, दिस इज़ लाइक यू नो, वैसे ही ना हर चीज़ को शो ऑफ दिखाने की कोशिश करना, ठीक, हर चीज़ को इस तरह से करना, डोंट डू दैट, ये आपकी ना पर्सनल चॉइस है, आपको पूरा हक है कि आप सुकून से ना इस चीज़ पे सोचें, अगर आप खुश भी हैं अपनी कन्फाइनमेंट में करें, वो रिकॉर्ड करके वो सारी दुनिया का क्या आपको होगा, ठीक है, आपको जो आपका दोस्त तसल्ली दे सकता है ना, वो स्ट्रेंजर कभी भी उस तरह से बात नहीं कर सकता। आप अपने दोस्तों में बैठें, अपनी फैमिली में बैठें, उनके साथ बैठ के अपने दिल की तसल्ली करें, और यही तर्जो तरीका है, ठीक है। सोशल मीडिया पे आके, हर जगह टिकटॉक बना के, हर जगह ये करके, भाई ज़िंदगी का कोई पहलू तो इस चीज़ से निकले रहने दें। तो हम तो जिन चीज़ों के खिलाफ हैं और कहते हैं कि जी ये चीज़ें नहीं करें, और बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों में ना ठहराव लाएं, ठीक है, आप इन चीज़ों के अंदर बेहतरी लाएं। ज़िंदगी पहले ही बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, उसके अंदर ये सब करेंगे तो वो आपके लिए सिवाय, आप ये कह सकते हैं, परेशानियों के और कुछ लाएगा नहीं। अपनी नई ज़िंदगी जाके शुरू करें और बेहतरीन तरीके से शुरू करें, बट ये जो है ना, ये तरीका थोड़ा सा इतना भी एडमिसिबल नहीं है। अच्छा, आगे क्या है हमारे पास न्यूज़ जी? तो हमारे पास है जी बड़े मज़े मज़े की न्यूज़, लेकिन वो हम आपसे करते हैं शेयर। साइंसदानों का तो हमने आपको बताया कि चिंपैंजी और ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास और क्या न्यूज़ है जी? हमारे पास और न्यूज़ है कि पाकिस्तान के दो बच्चे हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल ले लिया है इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक्स में, मुकाबले में जी। तो ये हमारे दो बड़े ही प्राउड, हमें, वी आर सो प्राउड ऑफ देम, कि उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक था जो कि मुकाबला था यूके में, ठीक है, वो यूके का मुकाबला इन दोनों बच्चों ने जीता है। और आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में हम आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाते हैं, बड़े ही ब्राइट और बड़े ही प्यारे बच्चे दिख रहे हैं, और उम्मीद है कि इनके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे। मैथमेटिक आसान नहीं है, हम सब ने पढ़ी है, आप सब जानते हैं, तो ये बेसिक जो मैथमेटिक है वो तो और चीज़ है, आगे जाके वो कितनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब एक मुकाबला हो रहा होगा, एक इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा होगा यूके में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस कदर मुश्किल मैथमेटिक्स की वहाँ पे क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, सब होगा। तो ये जो पाकिस्तान की, जब मैंने शुरू में न्यूज़ भी शेयर की थी और मैं इमोशनल भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो जरा गलत उस पर है, उसका जो शहर है कराची, उसके उसका वो है, तो मैं बड़ा, मुझे दुख हो रहा था कि जब इंटरनेशनल पाकिस्तान का क्यों है। तो ये देखिए जी, आपकी खूबसूरत तरीन आपकी न्यूज़ जो कि वो अगर है ही, तो आपका टैलेंट आपको कहाँ लेकर जा रहा है? ये जो आपकी आवाम है, आपके पॉलिटिशियंस जो भी लगे रहे, आपके इंसाफ ना फराहम कर सके, आपके अमन ना उस शहर में कायम रख सके, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके बच्चे हैं जो कि आपका पाकिस्तान में का नाम रोशन कराते हैं अपनी मेहनतों से। किसने इनको ट्रेन कराया है? क्या हुकूमत की कोई एकेडमी है? क्या वो उनको स्पॉन्सर करते हैं? क्या वो इनको पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, रेयर है। तो उस रेयर में ऐसा टैलेंट जब निखर के सामने आता है, जिसने ओलंपिक नेशनल मैथमेटिक्स के अंदर जाके दो मेडल्स लिए हैं, और आप देखिए माशाल्लाह से कितने प्राउड होंगे इनके पेरेंट्स के, हमारे बच्चे जो हैं, इस ज़माने में जहाँ पे सिर्फ टिकटॉक का कहा जाता है कि जी टिकटॉक बना लें ताकि चार लोग आपको पहचान लें और आपकी छलांगों से आपको ना आपकी आइडेंटिटी बने कि जी आपकी करतब आपने कुछ कर लिए तो पता चल गया, उस वाले माहौल के अंदर
आप ये देखिए कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। काश वो आ गए, उनको अंदर ले आए। इसकी वजह से ये आप ये सारी चीज़ें देखिए कि ये बच्चे, ये हमारा प्राइड, ये हमारे खूबसूरत प्यारे बच्चे, इन्होंने किस तरह से अपने आप को जो है वो, हाँ, अपने आप को किया है। और हम प्राउड हैं आपके इन चीज़ों के ऊपर। ऐसे ही हमें प्राइड रखिए, ऐसे ही हमारी चीज़ें बेहतर रखते जाइए, और आप देखिएगा कि हम कहाँ से कहाँ नहीं जाते। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमारे जो टैलेंट है पाकिस्तान का, इन बच्चों का, वो पाइंदाबाद। उम्मीद नहीं हारिएगा, चाहे हमें पूरी दुनिया गिराने में लगी रहे, आप और हम मिलकर खुद को, पाकिस्तान को, और अपने प्यारे वतन को और इस टैलेंट को अप्रिशिएट करते रहेंगे। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इस बच्चों को, इस तरह के टैलेंट को अप्रिशिएट करूंगी और दुनिया को दिखाऊंगी और सबको इर्द गिर्द दिखाऊंगी कि पाकिस्तान को चाहे आप जितना भी करें, लेकिन इसके अंदर वो टैलेंट है जो हर दफा इसके परचम को और इसको ऊपर ही रखेगा, इंशाल्लाह। तो यहां लेते हैं जल्दी से ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और वापस आने के बाद देखते हैं कि हमारे आज जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान से नहीं है, इंटरनेशनल गेस्ट हैं। इंटरनेशनल गेस्ट को तो मैं बुलाती रहती हूँ ताकि वो भी पाकिस्तान का नाम जाके रोशन करिए। वो कड़ियां हैं जो कि उन कड़ियों को मैं आपको मिलाकर दे रही हूं। तो इन कड़ियों के लिए आज हमने इंटरनेशनल गेस्ट एक और बुलाए हैं। देखते हैं ब्रेक के बाद कि वो हमारे गेस्ट कौन है। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, हमने ली छोटी सी ब्रेक क्योंकि इसके बाद जो हम आपके स्पेशल गेस्ट हैं हमारी, हम उनको दिखा सकें और आपको बता सकें कि कौन हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब सबसे ज़्यादा मज़े की तो ये बात है कि पहले तो हमने आपको बताया ही था कि हमारे साथ जो गेस्ट आएंगी, वो गेस्ट ना सिर्फ इंटरनेशनल होंगे और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ ब्रदरली कंट्री होंगे, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। कुछ हैं मुल्क जो कि जिनके लिए जब आप उनका नाम लेते हैं टीवी पे भी या नॉर्मल भी, तो सिवाय स्माइल के ना नहीं होता। बहुत सारे हैं जिनके साथ कोई आपके इश्यूज़ नहीं होते। यूजली आप उनको एक एक फ्रेंड जोन में, कंफर्ट जोन में होते हैं। ये ममालिक पाकिस्तान के लिए कम है, लेकिन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनमें से एक मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। कहते हैं ना, इंडोनेशिया द ट्रूली एशिया, दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिमेम्बर्ड ऑल माय लाइफ। तो आपका इंडोनेशिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? उनकी एम्बेसी से हमने स्पेशली बुलाया है, हमने एम्बेसडर को इनवाइट किया था। ऑब्वियसली उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ही इज़ बीन काइंड इनफ कि उन्होंने अपनी टीम को नॉमिनेट किया, जिसमें उनकी सबसे बड़ी जो कहते हैं ना टीम का एक जो दूसरी तरफ का जो पहिया होता है, वो कौन है? वो उनकी हैं बेगम, वो उनकी हैं मिसेस। वो यहाँ पर शो पर आई हैं। इसके अलावा कुरुतलैन हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनकी कोऑर्डिनेटर हैं जो उनके साथ साथ यहाँ पे हमें चीज़ें बताएंगी। उनकी वाइफ का नाम है निमा मुशोवा। यस, दैट्स द नेम ऑफ यू। वेलकम टू द शो निमा। थैंक यू सो मच। आई लव द कलर यू आर वेयरिंग, इट्स वेरी ब्राइट, यू नो द मरून कलर एंड द ड्रेस, एंड यू नो इट्स एक्चुअली गोइंग विद माई जैकेट। डिड यू नो आई एम गोइंग टू वेयर इट? नो। डिड यू नो वी आर गोइंग टू हैव सम सिमिलैरिटीज विद ईच अदर? मे बी वी हैव कनेक्शन। वी हैव अ कनेक्शन, देयर वाज अ सोल कनेक्शन फॉर द कलर्स बिफोर। आई लव द कलर, दिस इज एक्चुअली द कलर ऑफ द स्क्रीन बिकॉज इट बिकम्स वेरी वाइब्रेंट एंड लुक्स वेरी वाइब्रेंट। एंड अनिमा, आई एम गोइंग टू आस्क योर इंट्रोडक्शन, बट बिफोर दैट, does this color have any significance in Indonesia? Does people like it, they wear it on the wedding, or does it have, because I seen the video and they were like, you know, the movie that was played in Indonesian embassy, there was a bride who was you know, there was an auntie who wanted to do a elderly woman wanted to do her marriage ceremony. So you know what she was wearing? She was wearing, even the guests were, the ladies were wearing red, you know, red, yeah. The shawl and all of that, and it has a significance. So let me know if there is this color significance, but before that, I think your introduction is must. So tell me about yourself. So I'm here. I'm wife of the Charge d'Affaires of Indonesian Embassy, and that makes me chief of Indonesian Women Association. Wow, mashallah, that is such a nice thing. Wow. Yeah, we have several activities between Indonesian ladies, and we also help the embassy with the programs.
Wow. Okay, all right. And about the color, actually we all love color. We love vibrant color, bold color. But the red and white, it's our flag color. Red and white is your flag color. Wow, that's why beautiful. I choose this red. Uh-huh. And I don't have any white that matching with my but this is like skin color, so skin color is like gold, almost and your scarf color as well, it's it's very part of the white colors, the skin color kind of you know, the family of that. So white and the red is the significance. What is the significance of red on the wedding? We do that, like, you know, we wear the red color on the wedding as well, the first day. What is the significance in Indonesian culture? It's significant just for certain ethnics. Other ethnics, we use black. Huh. Other ethnics, we use yellow. And it has a different meaning. But and I don't know every single meaning of that because we have 300 ethnics our country. Wow. And more than 700 local language. 300 ethnicities and 700 local languages. Yes. Oh, wow. But we are united by one language, one national language, Indonesian language. Indonesian. So that's how we just like we have Urdu. Yeah, yeah, exactly. Yeah, okay. But the red color of the wedding that you talk, it's not my ethnics. So You can't Yeah, frankly I don't know much about that That ethnicities. That yeah. Yeah. And my ethnics, I am Japanese. Huh. In my ethnics, we wear black. You wear for black? The wedding, yes. Wow. Black velvet with gold embroidery. Oh, wow. That would look so beautiful and elegant. Mm. I know, but maybe some people think that black is the color of sadness. Or maybe dark color. Dark color, yeah. But not for us. Yeah, of course. It's kind of royal. Oh, wow. Of course. Black for for the royal family. For the royal family, is the black color. Black and gold embroidery. Okay, okay. So it's a beautiful, beautiful royal color that we can say. Kurutalan, I think we are going to take an introduction from her and then we'll say that if you can explain that to us in Urdu as well. So Kurutalan, aap kya karti hain embassy mein? Aapka kya kaam hai wahan pe? Okay, first of all, First of all, we are going to talk in Urdu with her as well. So we can, the audience can capture it in Urdu and then we can capture it in English as well. Yes. Okay, thank you so much for having us today. So, my name is Kurutalan and I was born and raised in Sagoda. Very nice. After that, I did my PharmD from University of Sagoda. Okay, uske baad I got a scholarship, KNB scholarship from Indonesian government. Wow. So, I went to Indonesia for 3 years. Okay, zabardast. Uske baad wapas aayi, I did my master's over there. Wapas aake, I basically chose to, work in academics. Uh-huh. I joined University of Faisalabad Faisalabad. Mm-hmm. And after that, कुछ अर्से बाद मैं PhD के लिए जाना चाह रही थी. Wow. बाहर. तो then I got an offer from Indonesian Embassy to work with them. So क्योंकि मैं उधर रह चुकी थी and I was studying there on fully funded scholarship. MashaAllah. So मुझे लगा कि ये एक ऐसा time है जिस पे मुझे दोनों countries के साथ काम करना है. So I'm living in Pakistan but working for the both countries. जबरदस्त जबरदस्त. तो आप liaison करती हैं पाकिस्तान को और Indonesia को और सबको. इसके अलावा ये है कि जिस तरह से आपने अपने आप को बनाया है, आपने अपने आप को स्कॉलरशिप पे लेके इंडोनेशियन, वी आर प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, यू हैव डन द गुड वर्क. और PhD में आप जरूर आगे चले और जरूर करें, ठीक है? आपका ड्रीम है, होपफुली इंशाल्लाह वो पूरा हो, ठीक है? और वो चलते हैं. Coming back to you, Nima. Mm-hmm. Okay, so basically this is a morning show, so we can't talk about too much about economic and, you know, we will talk about it, but the major part will be around you being a woman. And then you said that you're associated with the Empowered, Association of, of Indonesia as well. Mm-hmm. Tell me something about that, you know, that how the Indonesian women are empowered. Like, you know, what do they do? How does the government helps them? You know, because the women over here, obviously, we also try to be... how can you say, try to do jobs and, you know, try to run the life. But how is it in Indonesia? How the women are empowered over there? In Indonesia, women have equal rights in every side. Law, regulation, and even social norm.
यू कैन फाइंड अ लेडी हु क्लीन द स्ट्रीट, बट वी ऑल्सो हैव आवर फीमेल प्रेसिडेंट. वाओ. आवर हाउस स्पीकर राइट नाउ इट्स अ वुमन ऑल्सो. सो इट्स इन एवरी, या इट्स इन एवरी वे वुमन आर एनकरेजिंग टू डू एवरीथिंग दैट मैन कुड डू, इवन एट द जॉब दैट पीपल थॉट दैट maybe this is just a man job because it require muscle and everything, but yeah. Women can do too. Yeah. And for us, we're helping the embassy with the program, such as organizing the event and everything. That's how we help the embassy. Yeah. All over the world. Wow. So we have the women association all over the world, mm-hmm. in every embassy, and of course, yeah, that's how we help. Wow, that is so, you know, and as you're saying, you have women on the street. And what about, like, you know, the safety factor over there? Like, you know, for example, we also, Pakistan is very safe for women, everybody. But because of, you know, the system over here, it's very religious. We have a conservative, you know, kind of society as well. Is it like that over there, or is it like very safe and, you know, women work and they are not afraid of going back? The law and order situation is very good for the women, the government supports them. What's the situation over there? It's very safe, even if you walk by yourself in the midnight. Wow. I mean, of course there's a crime. Yes. But it doesn't represent the whole country. Of course, yes. There's no country with zero crimes. Yes, of course, of course. And also, although we are the largest Muslim population, mm-hmm. Mm-hmm. beside Pakistan, we are now side by side, Indonesia and Pakistan. Wow. At least we are participating and, you know, in something with you guys. And we are not we are non-Arabic country, but we have the largest Muslim population in yes, the world. Yes, yes. Oh yeah. And but beside the Muslim, we also have another religion. Mm-hmm. We have six religion that we are known by government. Mm-hmm. So I think we are, as majority, we have to tolerate to other religion. Yes, 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 yes. And we can pray anywhere, every time, without any burden. Yes. So if you go to other city or and in your work at yeah. your workplace, uh-huh. there will always be a praying room, wow. proper praying room wow. for the women. Wow. And it's the same, I mean, it's clean, it's safety for the woman, it's close enough for us to uncover our hijab if we wear hijab. Yeah. And people in Indonesia, Muslimah in Indonesia, not all of us wearing hijabs, and we're fine with that. Wow. Yes, yes. So, you know, there is like freedom, like, you know, freedom. The women, they want to, you know, cover the head, they are more than welcome. Yes. All the freedom is there. They don't want to, nobody will judge, or it is your own choice. Okay? Exactly. And we respect other religion who didn't cover themselves. Yeah. I mean, like Muslim. Yeah, they yeah. cover themselves, but it's not same like a not Muslim. Not same like our, like, you know, like headscarf like no, us, or no. niqab or hijabi, and you know, like that. And still the respect is there. And this mm-hmm. is the beauty of, you know, the society. This is the beauty yes. of the Indonesian society. So coming to Kurutulan, explain it in Urdu. कि हमारा इंडोनेशिया का कल्चर है क्या आपकी नज़र में, आप भी वहाँ पे गए हो रहे हो, कुछ इंडोनेशिया के कल्चर के बारे में बात करो. अच्छा, कल्चर जो है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हैं. जैसे आपने पहले फूड की बात की, प्रोग्राम हाँ. से पहले हम डिस्कस कर रहे थे हाँ. कि हमारे जो फूड ऑप्शंस हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू इंडोनेशिया एज वेल. सो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ हलाल ऑप्शंस देयर बिकॉज इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री. तो हलाल खाने के साथ इनके जो बाकी जैसे ग्रीटिंग का जो प्रोसेस है दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. अगर आप किसी को वहाँ पे देखोगे, इवन स्ट्रेंजर इज पासिंग बाय, तो वो आपको मुस्कुराहट के साथ मिलेगा. क्या बात है, क्या बात है. यू नो, स्ट्रेंजर इज पासिंग बाय विद अ स्माइल, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. या या या, आई कैन अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट. या, यू कैन, दिस इज अ गुड क्लास टू अंडरस्टैंड दैट. या, तो इसके अलावा इनके कल्चर में और जो बहुत अच्छी चीजें जो मैंने वहाँ से सीखी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो ये कि दे, I don't know from where they adopted it, but it's very basic,
बट पाकिस्तान आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इज लैगिंग बिहाइंड इन दीज एथिक्स. और जैसे पैसेंजर कोई पेडेस्ट्रियन चल रहा है सड़क पे तो हैवी ट्रैफिक उसके लिए रुक जाएगी. वाओ, ठीक है, उसको उसको रास्ता देने के लिए. सो दिस इज हाउ दे आर वेरी ब्यूटिफुल. एंड आई जस्ट रियली होप कि पाकिस्तान भी किसी दिन इस नहज पे आ जाए कि वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जेस्चर्स अडॉप्ट करे. इसके अलावा दे आर वेरी वेलकमिंग. हाँ. और मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि किसी इंडोनेशियन के मुंह पे गुस्सा आया हो. यू नो, वी एज अ पाकिस्तानी, आई डोंट वांट टू हाईलाइट नेगेटिव थिंग्स अबाउट पाकिस्तान, बट दीज आर द फैक्ट्स कि हम लोग बड़े जज्बाती सी कौम है. ठीक है, हम गुस्सा भी जल्दी करते हैं, प्यार भी जल्दी करते हैं. तो दे आर वेरी सेटल्ड पीपल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, टॉलरेटिंग, गुस्सा नहीं करते ज्यादा. ठीक है, और आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे. Wow. और वंस यू गो एज यू हैव एक्सपीरियंस, अगर मैं तो 3 साल वहां पे रही हूँ, तो यहाँ से जब गई थी तो थोड़ी जज्बाती थी, गुस्से की बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन वहां जाके आई हैव अडॉप्टेड सच थिंग्स. सो कल्चर वाइज वी हैव सिमिलैरिटीज. एंड इनकी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन दे हैव 5 more religions लाइक बुद्धिस्ट, दे हैव क्रिश्चियनिटी एज वेल, बुद्धिज्म है. इसके अलावा मुस्लिम्स हैं, एंड देन वी हैव हिंदूज एज वेल. अगर आप बाली वाली साइड पर जाएं, बाली विच इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान, तो बाली में मोस्टली दे आर हिंदू मेजोरिटी. सो बट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी टॉलरेंट टूवर्ड्स ईच अदर, हमारी तरह एक्सट्रीमिस्ट नहीं है. अच्छा, तो ये सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है कि हमें इनसे सीखनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए. तो कमिंग बैक टू यू अनिमा, टेल अस अबाउट यू नो द वेदर. What is it is like in Indonesia? Do they have 4 weathers like us? And what are the major products like, you know, agriculture especially? Do you have agriculture? Do you have something on that? What is exactly in the plan? The weather is tropical weather, so it's summer all the year. Summer all the year. And rain season. Okay, so there is no discrimination. Just one season, all of the year. It's kind of at the same degree. Same degree. Approximately. But of course, we have a mountain, which is colder than beach area. And because of kind of consistent tropical area. Yep. So we have a lot of exotic plant, wow, exotic fruit, and our agriculture, we have coffee, tea, that's our main product. Coffee and tea? Yes, wow. Coffee and tea, and also palm tree. Palm tree? For the palm oil. Palm oil, wow. Yeah, I think Nutella? Is the product that is made from the are many other famous products that are made from the palm oil? Because we use palm oil in every product. So we don't just consume palm oil by itself. So we have to cook it, right? Okay. Yeah. We produce the palm oil and then we made a lot of food from there. But I think the most famous food from Indonesia that all over the world, though, is Indomie. Indomie. Yeah. Okay. It's the noodle. Oh, the noodle. It's the instant noodle. Okay. Yeah. Of course. I've taken it from the embassy as well, and I've tried, and I've eaten outside in the food as well. Whenever they cook it with the noodles. Mostly, noodles are in almost all the dishes. Yeah. The noodle first is fried in palm oil before. So. If you eat the noodle before you cook it, I mean, it's fine. It's already fried, actually. So they are ready. You can take it as a snack. No. It's not. Yeah, I mean, it's not the proper way. You have to cook it first. They just fry to make it tasty, more tasty. Yeah. Mm-hmm. And Indomie in all over the world, the Indomie company always take a local taste. To make a fusion. Yeah, so just like any a chain, for example, yeah any pizza or any KFC like things, so wherever region they go to,
they'll put maybe in Pakistan they came, the first thing they did was put spices. Okay? So because if they will not put spices, nobody will eat it. And I can't eat spicy at all. That's why I love Indonesian food. Okay. I love Turkish food. Okay. And I can't eat Pakistani food because I've been stayed my life all, abroad. So I'm not used to a spice anymore. But so, even if you go and eat a pasta, you know, you will find exactly chilies. That's how we feel when we came first here. Yeah. My kids couldn't eat anything. Even we order pizza and the pizza has chili inside. Yes, 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 of course. Everything is spicy. Yeah, of course. But after 6 months, they eat fries masala from the street vendor. I'm so proud. So we train them. So we train them very well. Yeah. So whoever doesn't eat chilies in it, they must come for a 2 months training in Pakistan. Everybody gets trained, gets back, and then, you know, there are chilies even, you know, in the Indomin, even in the, yeah. What was the name of the rice dish? Nasi goreng. Yeah, red chilies on top of it. We'll uh-huh. see chilies everywhere, and you know, if you give them training. But trust me, they're not healthy, and I don't want to eat them, because exactly. It's like that. That's why I like your food, because it's just the natural taste of all the food. We have spicy food also, but we still make it less spicy and then put the sambal, the uh-huh. spicy thing, spicy yeah. sauce huh. on separately. The side. Yeah, separate. If yeah. you want to make it spicier, then you can it's just add. Yeah, it's your choice. Yeah. Okay. That's beautiful. And the main thing that you say that in the agriculture is your palm oil, then the fruits. What are the exotic fruits that you is common over there and you export as well? We have a pineapple, of course, and then we have coconut. Okay. We have mango as well. Wow. And our mango is slightly different with the Pakistani the mango. The green mango. We have green, we have red, we have yellow, we have with mango with fiber, we have mango with no fiber. Wow. Any kind of mango. And and any shape of mango, the small one, the big one, the kind of long one, or more like a ball. Wow. We have any kind of mango. Mm. And we have lechi also, and rambutan. Have you heard about rambutan? Rambutan? Rambutan is something like dragon fruit? No, kind of lychee. Kind of lychee, okay. But with more hair. Yeah. We call, in Indonesia, hair is rambut. Okay. So that's why we call it rambutan. It's a hairy fruit. A fruit. And we also have durian. Durian. Yep. It's the one with spike. Spikes, you know, the same fruit, but it's like the one is hair and the other one is like with the spikes. Mm-hmm. Yeah. And dragon fruit also. Mm. And jackfruit. Jackfruit. We yes. eat jackfruit, young jackfruit. We eat as a vegetable. Mm. And when it ripe, we eat as a fruit. As a fruit. Wow. Such a, you know, exotic and beautiful, and the colors and the, you know, the yeah. you can even, you know, the minute you start talking about it, mashallah, you know, you can hear all the flavors of the colors mm-hmm. of in your culture, and that is so beautiful to hear. Mm-hmm. And we'll ask something about from Kurutlan as well. Kurutlan, kuch ye bataein ki aap embassy mein abhi kaam kar rahe ho sab to Pakistan aur jo Indonesia ke darmiyan ye brotherly bahut acha relationship hai aur kya embassy karti hai usko promote karne ke liye events ya kuch is tarah ki cheeze jo ki aur zyada hamare relationship ko behtar kar sake aapas mein. So embassy mein bahut sare sections hain jisme economy hai jisme socio culture department hai. Theek hai. So ye sare department milke kaam kar rahe hain to promote brotherly or bilateral relationship between Pakistan and Indonesia. Ji. Isme jaise economy, I'm working in economic section. So hum log ye hamara basically the job description is to connect the businessmen from Indonesia and from Pakistan. So it's business to business connections. Bilkul. And when we talk about social culture department, so it's people to people interaction. Taki bahut sare logon ko pata chale. When I was in Indonesia, so jab logon se interaction hota tha, if on the first exposure they asked me, are you from India?
So people they recognize me as Indian. Uh-huh. Most of the people in Indonesia, they don't know about Pakistan, unfortunately. Oh. And even in Pakistan, people don't know about Indonesia, which is the largest Muslim country. Yeah. तो लोगों में awareness नहीं है what where is Indonesia, what is Indonesia, what is its potential. इसी तरह पाकिस्तान के लोगों में भी इतनी awareness नहीं है. बिल्कुल. अगर सिर्फ लोगों को पता चले तो उनको सिर्फ पता है कि बाली बाली is a place. For you know vacation tourist it's a tourist place bali ke alawa there are so many islands in indonesia jahan pe aap tourism ke liye ja sakte hain usme jo hai now there are 10 new balis indonesian government is working on aur iske alawa jo hai pakistan mein jo hamara basic jo काम की नौयत है वो यही है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके. ठीक है. अच्छा तो जो आपकी ये बायलेटरल और इनकी प्रोडक्ट्स और ये सारी वो चीज़ें हैं अभी एम्बेसी इसके ऊपर क्या कर रही है बल्कि आई थिंक वी आर गोइंग टू आस्क नीमा फ्रॉम इट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट यू नो द डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट एंड द बिजनेस दैट कैन यू नो द Indonesian government and the Pakistan can have. So I was asking her how does the embassy is facilitating it, and she said that we have different sections and you know they are looking after all of this. So do you have any idea more of the idea that how the business can be promoted between and Pakistani end user and you know an Indonesian maybe a business person how it can be promoted in Pakistan? In Pakistan? Yeah. I think we have the Indonesian Trade Expo in next October in Bali. Okay. So of some of the businessmen from Pakistan will come to Bali to join the event. I think it's a very good event to exchange business. Of course, between ideas Pakistan with each and other, Indonesia, and now the embassy, of course, Kuratul Ain also work on it. Mm-hmm. Wow, that's good, Kurutle. Yeah. So, can I add something? Sure, sure. Add more. Actually, Indonesian Embassy is basically it's a initiative by government of Indonesia. Mm. So they are planning to host Indonesian Trade Expo in Jakarta, in Indonesia, from 9th to 12th of October. Okay. So वहाँ पे जाके इंडोनेशियन यहाँ से हम बेसिकली वी आर ऑल्सो फैसिलिटेटिंग पाकिस्तानी बिजनेसमैन टू कनेक्ट देम विद द इंडोनेशियन बिजनेसमैन. इसके अलावा अभी नेक्स्ट मंथ जैसे हमारा आज़ादी का दिन आ रहा है 14th ऑफ अगस्त द सेम इन द सेम मंथ वी विल ऑल्सो सेलिब्रेट इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे ऑन 17th ऑफ अगस्त. Wow. So in commemoration of that we also you know we will have some host flag hosting ceremonies in embassy. उसके अलावा जो है हम सेंटोरस में 3 दिन के लिए इंडोनेशियन एक्सपो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम such a beautiful gesture from the embassy. Yes, on Independence Day. So starting from 16th till 18th of August. So उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें इंडोनेशियन प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करेंगे. पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं जिनका कनेक्शन है विद इंडोनेशिया वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे. इसके अलावा देर विल बी मेनी सोशो कल्चर एक्टिविटीज़ जिसमें गेम्स होंगी. फैमिलीज कैन कम एंड जॉइन अस इन दैट ट्रेड एग्जीबिशन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सच अ वंडरफुल एक्टिविटी. सो वी हैव फ्रॉम 16th ऑफ 16 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक सेंटोरस में जो आपका इंडोनेशियन कल्चर है उसकी एग्जीबिशन होने जा रही है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ इंडोनेशिया की चीज़ों के बारे में उनकी हेरिटेज के बारे में कल्चर के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी. तो ज़रूर जाइए अपनी फैमिलीज के साथ जाइए और जो चीज़ें जो हम ट्रैवल करके वहाँ नहीं देख सकते क्योंकि आपको पता है वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग लेकिन वो चीज़ें आपके लिए पाकिस्तान में लाई गई हैं ताकि आप अपने बच्चों को नॉलेज दे सकें कि दूसरे मुल्कों का कल्चर किस तरह से होता है और क्या सब होता है. ज़रूर जाइएगा, ज़रूर अटेंड कीजिएगा. तो वेरी गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से कुरुतलैन और ये वो चीज़ें हैं जो कि वाकई एम्बेसी को लाइजॉन करनी चाहिए, कोलैबोरेट करनी चाहिए एंड यू गाइस आर डूइंग दैट. कुडूस टू दैट. कमिंग बैक टू निमा, सो यू नो वी हैव लिमिटेड टाइम, समथिंग टू नो अबाउट यू नो how can we have different ideas of collaborating, you know, the women empowerment of even, you know, the ladies from here and the embassy as well, like, you know,
there are different projects, there are different things that can be, you know, handmade work. Mm-hmm. This is one of the things that is very famous of Pakistan. Mm-hmm. So if, you know, it can be collaborated over there, and something that should, even I think the ladies over there, they do the work as well. They have the products, maybe they make baskets, maybe they make in Indonesia. So if that can be collaborated on some platform, you know, the women and, you know, the work from with each other, just like the expo is coming and all of that, you can even make a section of that where the women are collaborating with each other and the in the empowerment. I think that would be a great idea to do that. Right now, we don't have any that kind of program, but our previous ambassador, they did the batik class. Uh-huh. So batik is one of our heritage. Mm-hmm. In fabric making. Wow. We make the motif, we draw the pattern on a fabric with wax, hot wax. With hot wax, oh wow. Hot wax. That so it will cool. block the color from the fabric. And then we add the color. And after we finish with all the colors, we boil the fabric to remove the wax. Okay. That's how we work on batik. Wow. And we have collaborate with the Ajrak community in Pakistan to make Ajrak motif in batik way. Oh my God, that is such an innovative idea. So the Ajrak, you know, from the Sindh culture, okay, goes into the batik culture, and the fusion would be beautiful. Mm-hmm. I would love to see the pictures. If you can put that in your expo as well, that is happening in St. Taurus. I think that would be so good beautiful. Idea. That would be that will be just an exquisite thing to see. Okay, so even, you know, first you need to, just like you're telling me right now, you need to put it over there, what is batik? Okay, because this is one of the most, just like we have, do you know, we have our ki, you know, the work where there is khadi, you know, the brand. It's a big, you know, machine that is operated with the hand. So it is only done by the females. The hand printing? Yeah, the, you know, no, you it's know, for embroidery, example, I have a kind fabric of embroidery. And it will be, you know, knitted. So what it will do is... Oh, kind of weaving? Yes, the weaving. Oh, okay. You put it over there, and it is a very old tradition. Mostly it comes from the Kashmir, and it's called R ki kadhai. You know, just like you say batik, we say R ki kadhai, meaning R embroidery. And it is said because of that, you know, machine. And it's one of the most expensive, you know, work, even in Pakistan as well. Outside, it is like way more expensive. I would love to learn. Yeah. That's why I said, like, you know, put your batik, and then, you know, you can show it just like you have somebody like her explaining it to the crowd. And just like batik, we have, you know, in Pakistan, Arki. And this is our, like, two of the products that are similar. And, you know, the ladies, especially the ladies, they work on these as well. So I think it will create the enhancement of the culture, the you know, the similarities, the women working even in those sections that are deprived. You know, somebody like you, somebody like me, or Kurutala, and we are on the TV, like, you know, people see us, they know us, nobody knows them, you know, while they're working over there. So this is something, a platform that I think that you guys can use, and I would love to see that. And if you're going to do that, I will tell my team and other you know, TV channels that are working with collaboration, that they can come to that expo and capture all of those things and show it to even on the news, that, you know, this is culture of Indonesia and these are the products. So this is something I have in mind, and inshallah we are going to do it with you guys. So we used to have the with the behbud. But it was a few years ago. We have a collaboration with behbud workshop, and we give the batik workshop from them, but I don't know if it continue. I don't think it's continued right it's now. It's fine. Like, you know, you don't have to show it to that. Kurutulan can get any of the pictures, samples, put it over there and say this is batik and this is art. Actually, and we have the similarities. We also have a book in embassy that was written by some efforts by Adam, the last previous ambassador of Indonesia. We had a book on similarities between Pakistan and, you know, cultural similarities. Oh my God, that would be such a beautiful book. So in that book, we have a lot of similarities, even the way we have Jinnah cap. They have a cap, even what we call it?
the just like the Jinnah cap. You have a men cap. Men you know? Cap. The kopya. Yeah. The kopya. Okay. The black one. Yeah. The black one. Oh wow. So the similarities with the, with the culture. So, Even in spices, you know, Pakistan and Indonesia, we have so many commonalities. और इसके अलावा हम बहुत सारे स्पाइसेस बेसिकली इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे होते हैं. इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं. स्पेशली आई थिंक बिफोर इट वाज नटमेग. Yes. One of the spice that was only available in Indonesia, and we used to bring that palm oil. You know, it is one of the product that is only over there. We don't have it at all. Yes. So these are some of the products that the similarity is, you know, with the palm oil is not there, but the spices is just like every spices is always usually there. Over there, and especially chilies. Like chilies is the common thing that you guys have as well. You don't use that much, but you use it a lot. So we use it that much. You also use it? Yeah. But I've seen the red spice, the chili spice, the red one. We have various varieties of, chilies. The paste that you put with the food. So, I think let's go towards the end. And I would like a beautiful message from the beautiful Nima. What message do you want to give it to the Indonesian, not just from the Indonesia, but to the Pakistani people? Like, you know, anything that you want to share with the Pakistan and the Pakistani people and the audience, you may share. I think because we have the similar religion, so we can do better with our religion and our culture. Respect our culture. And also following the religion, also religion law, without pointing each other. Religion point that culture is wrong, and culture point that religion is too strict or something. We can do our religion practice still with our culture. Wow. So that's a beautiful message. We can do the practice still with the continuing our tradition of the culture. Yes. In our country, because there's a lot of ethnicity, there's 300 ethnics, so there's no main ethnic. Okay. There's no dominant ethnic. But because of the religion, beautiful religion. It's connect us. Beautiful. Just like, for example, in Idul Fitri, we celebrate Idul Fitri in our own way, like we gather with family and friend, we gather with our college and everything. And when we celebrate the Maulid Nabi, the Prophet Muhammad's birthday, we also celebrate it with our own touch of the community. Very nice. Maybe some community share the food, some community make charity, give it out, the food to the people. And a certain food that it's very traditional, that you cannot find this food in other city, maybe in other province. Okay. That it's not there. So I think that's a kind of a good collaboration between culture and religion. Oh, beautiful. We also dress ourselves in a religious way, but in our culture, our culture way. So we cover ourselves based on religion law. Yeah. In a culture way. It's different between one province and another, because we have we have a lot of dress. Okay. You have the same dress, but the different way of wearing it. Like, you know, shawl on the front, shawl on the back, scarf. No shawl. You know, every, and it equally looks beautiful in all the provinces and all of that. Yeah. So, you know, the message that you have given, that, you know, we are the culture is different, but we are united through, you know, religion, and that is Islam. But at the same time, the beauty of the culture is that, you know, you have the similar, whatever you're wearing, you know, from head till toe, it is the same in Pakistan as well. You'll find it in almost all the provinces. Like, you know, there will be ladies in Karachi, you'll go, there will be some of them wearing them. Punjab, you will go, there are. This is something that is more related to us by our personal choice. You have it with the culture, we have it with, like, you know, some ladies are just, they're comfortable, they feel beautiful, you know, wearing a scarf, you know, colors like that, you know, even everybody. So we are, you know, connected in many ways through not just the religion but the culture as well. And she said there's a book that is written, The Similarities Between Us. So we are united, and you must know, and the Indonesian people should know, that we actually, you know, feel it is one of the most brotherly country
to Pakistan, Malaysia, Indonesia, you know, that belt. We are very friendly with each other. So that's why, you know, you go over here, there might be a country that you'll take a name, you know, I won't take the name, you know, the most developed country, people would say, don't take their name, you know, they are the traitors and all. And suddenly you say, you know, Turkey, Indonesia, and they'll be like brother country, you know. We are brother, your sister. They're comfortable, you know, brother and sister country. We are comfortable, you know. They are good to us. They are nice to us. From the richest to the poor, everybody is the same opinion about Indonesia, and that is the beauty of being with the country with that. Mm-hmm. And that's why we invited you guys over there. Thank you so much for having us. Indonesia culture. So thank you very much for that. Kurutulen, kuch message aap share karna chahein about, you know, India and Pakistan, Indonesia and Pakistan. Ke, I know the Indonesia, we always give the slang as well, but Indonesia and Pakistan ke culture ke upar aap share karna chahein ke kya hai jo aap logon ko message dena chahein aur is culture ke baare mein insight kuch kehna dena chahein. Jaise previous discussion mein humne ye discuss kiya tha ke Indonesia mein aap jahan bhi jayenge na, aapko stalls pe, market mein, wherever you go, you'll see women on the street. Very nice. Okay. So the women are a bit more empowered there. Uh-huh. So my message to the Pakistani people is make a safe space for women. Very nice message. A very, very desired message for nowadays. Yeah. Because half of population, I think more than half of population is women. Huh. So if we are not empowering our women, it means we are lagging behind. In the future, we will lag behind. True. So, I believe we should create this especially for men and women, both. Yes. That please empower each other. Yes. Empower women. Empower your women. So they will give back to society. True. In future, and that's how we will. progress like that. तो यही इसी खूबसूरत मैसेज के साथ निमा एंड द कुरुतुलैन हैव शेयर्ड के कुरुतुलैन ने कहा कि उन्होंने वहाँ से जो लर्निंग ली है वो ये लर्निंग ली है जब वो अपने वक्त में भी वहाँ पढ़ने के लिए गई थी, 3 साल वहाँ पे रह के आई, अब एमएससी के साथ काम कर रही है. तो वो कहती हैं कि मैंने जो खवातीन हैं वहाँ पे, वो स्टॉल्स पे भी खड़ी होती हैं, वो सड़क पे भी खड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ बेच रही होती हैं, जहाँ पे आप जाएंगे, मॉल में होंगे, किसी पढ़ी लिखी जगह पे पढ़ा रही होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो सेफ फील कर रही होंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और वो ये आप कह सकते हैं कि जबरदस्त से जबरदस्त और एस्केलेट कर रही हैं. तो ये माहौल पाकिस्तानी ख्वातीन को भी मिलना चाहिए. सड़क पे खड़ी हुई जो भी है खातून है, उसको ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी तरह से भी अनसेफ है. जैसे कि शुरू में उन्होंने कहा था कि रात को 12 बजे भी वो जा रही होती हैं और उनके दिलों में इस तरह की बात नहीं होती है. तो यही माहौल हमने अपनी ख्वातीन को देना है, दूसरे कल्चर से अच्छी चीज़ें सीख के अपने लिए भी इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है. आई एम सो थैंकफुल निमा, आई एम सो थैंकफुल कुरुतुलैन दैट यू केम टू द शो. ब्यूटिफुल थिंग्स दैट we have seen with the Indonesian culture, and I hope we can do that in the future and promote your culture as well and Inshallah. Ours as well. Inshallah. Please come to Santaros on 16th. August, inshallah. From 16 till 18th आपको एम्बेसडर की मिसेज और साथ ही कुरुतुलैन और पूरी एम्बेसी आपको इनवाइट कर रही है इवेंट पे सेंटोरस में. आइए इंडोनेशिया के साथ जो हमारी खूबसूरत चीज़ें उनको आकर देखिए और उनके साथ जो है वक्त गुजारिए और जो आपकी क्वेरीज है जो आप पूछना चाहते हैं आकर पूछिए. सो इंशाल्लाह विल सी यू देयर. हम भी अपने चैनल को भी और उधर लेकर जाएंगे, आपको वहाँ से चीज़ें दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह. अभी के लिए मुझे निमा को कुरुतुलैन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ एक नए प्रोग्राम में हाजिरी होगी. उज़्मा खान को सुबह बखैर पाकिस्तान से, खुदा हाफिज.